व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल मोटर एट पार्थ एंड दिस इज पार्थ। मेरे पीछे हैं पीकू जी, और कल रात को तो हम लोग बहुत ही खतरनाक सोए, और अभी प्लान बना है कुछ बाहर जाने का, और अगर हो सके तो कुछ लोकल अट्रैक्शंस अगर हो तो उधर आसपास घूमने का, और अगर हुआ तो ट्रैक भी करने का। वैसे हम लोग के रूम से जो सीनरी बाहर दिख रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है, वी कैन सी द कंचनजंगा प्रॉपरली, और बहुत ही क्लियर व्यू है आज, और मैं आपको दिखाता हूँ आज का व्यू। तो व्यू आज का इस तरह है कुछ, ये पूरा कंचनजंगा रेंज है, इधर से पूरा दिख रहा होगा शायद आपको, यहाँ से पूरा लेकर के, और ये बस विंडो खोलने के बाद ही पूरा दिखता है, और यहाँ नीचे है पेलिंग, तो आज का तो वैसे प्लान बना था योगसम जाने का, तो आज हम लोगों ने सोचा कि नहीं आज भर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, गाड़ी का भी दोनों बाइक्स को भी थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, क्योंकि लगातार चल रही है दोनों बाइक्स दो तीन दिन से, तो इट्स गुड इफ यू गिव देम सम रेस्ट। तो आज हम लोग जा रहे हैं लोकल साइट सीइंग करने, तो वी आर स्टेइंग इन दिस होटल, दिस इज़ अ होम स्टे बेसिकली, तो ये है होटल भाईचुंग और हम लोग यहीं रह रहे हैं, और यहाँ ये होटल बहुत ही सही है और एकोमोडेशन यहाँ का बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग के बाइक्स यहाँ पर है, पीकू अपना बाइक का कुछ तो ऑयल लेवल चेक कर रहा है, और मेरा इनफील्ड यहाँ पे है, पूरा गंदा हो गया बाइक, तो खैर फिलहाल पहाड़ में आने के बाद गाड़ी थोड़ा गंदा ही ना हो तो क्या मज़ा है, तो आई एम प्लानिंग टू वॉश इट आफ्टर आई रीच होम। तो अच्छा, वी आर गोइंग फॉर सम ट्रैक, तो यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे और भी बाइकर्स ग्रुप मुझे देखने मिल गया, तो खैर हाँ अभी चलते हैं आगे, देखते हैं और कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम लोग बस होटल से थोड़े ही दूर निकले और हम लोगों को ये व्यू देखने को मिल गया, इट्स सो ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत नज़ारा, मन कर रहा है यहीं पे खड़े रहे पूरा दिन। और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा पूरा कंचनजंगा रेंज, और ये पहाड़ी एरिया मुझे बहुत ही पसंद है, और इस तरफ देखिए आप नीचे पूरा खाई है, और नीचे घर भी बने हुए छोटे छोटे से, मतलब यहाँ से दिख रहे छोटे होंगे बड़े शायद, और सबसे सुंदर तो ये पार्ट है, मतलब ये इतना खूबसूरत है कि किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो अभी ट्रैक के लिए तो आगे बढ़ना है, तो ट्रैक के लिए तो सुना है कि इधर कुछ ट्रैकिंग का कुछ तो यहाँ पर ट्रेल्स है नहीं, तो 2 किलोमीटर आगे जाके हमें मिल जाएगा हेलीपैड, तो देखते हैं आगे जाते हैं यहाँ पे कुछ फ़ोटो वोटो खींचने के बाद, और फिर वापस आते हैं, फिर देखते हैं शाम को कहाँ जा सकते हैं। और आप लोग अगर फ़ोटोज़ चेकआउट करना है प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट्स मोटर हेड पार्थ, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो फॉलो मी। और यहाँ पर पीकू जी आओ, इधर आओ यार, क्या शर्मा रहे हो तुम, मेरा वाला इंस्टाग्राम आईडी भी बता दो। हाँ तुम बताओ, मैं क्यों बताऊँ, बोलो तुम ही बता दो, बोलो तुम ही बता दो, नहीं बोलो तुम ही बता दो भाई, नहीं मुझे नहीं बताना, तुम बताओ, तुम ही बताओ, मत फॉलो करना इसको, मैं वैसे भी नहीं बता रहा क्या है नवेंदु 94 यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, इनको फॉलो कर लेना, खुश कर दो बच्चे को। तो अभी हम लोग हेलीपैड में, पेलिंग के हेलीपैड में, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, पीछे आप देख सकते हैं कंचनजंगा का पूरा व्यू आ रहा है पूरा फ्रेम में, और इस साइड हो जाता है वेस्ट, एंड टूवर्ड्स द वेस्ट आ जाता है नेपाल बॉर्डर, उसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट, वहाँ पे बीच में एक पीक दिख रहा था, तो पीक के बाद शायद स्टार्ट हो जाता है टिबेट। तो बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें ये सब चीज़ एक्सपीरियंस करने मिलता है, एंड वी आर टू लकी टू एक्सपीरियंस देम राइट नाउ। और वहाँ पे पीछे एक मॉनेस्ट्री दिख रहा है, बड़ा सा एक बुद्धा का स्टैचू दिख रहा है वहाँ पे, तो अभी तो फिलहाल देखते हैं अभी कहाँ जाएँ, अगर मन किया तो उधर भी ट्रैक करते हुए चले जाएंगे, या फिर शाम तक चले जाएँ, आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। तो खैर वहाँ पे दिख रहा बहुत ही सुंदर दिख रहा है वो, अभी थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो ले लेते हैं फॉर इंस्टाग्राम, और आपको अगर फोटोज़ चेकआउट करना है इंस्टाग्राम में तो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एज मोटर एट पार्थ, दी इंस्टाग्राम हैंडल विल बी मेंशन्ड ओवर हियर। तो कोई बात नहीं, अभी ये सब दूर रखते हैं, अभी थोड़ा नेचर का मज़ा उठाते हैं, और एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है, और इसे बदसूरत कृपया ना बनाएं, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रहे बाइक से कार से, ऐसे पर्ची खाया चिप्स खाया फेंक दिया, सो प्लीज़ अवॉइड इट, प्लीज़ डोंट डू दैट, अगर आप किसी को देख रहे तो उन्हें मना कीजिए, बिकॉज दिस इज़ आर कंट्री, दिस इज़ आर हेरिटेज, तो हम ही लोग को ये प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक रुके और फोटोशूट भी काफ़ी कर लिया हमने, और पीछे यहाँ पे एक पुराना सा गाड़ी पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं, एक मिनट, ये गाड़ी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो एक मूवी मैंने देखा था हॉलीवुड का, इनटू द वाइल्ड, वहाँ पे भी ऐसा ही रहता है, एक कनाडा का कोई मूवी रहता है वो, उसमें एक स्कूल बस में रहता है एक, क्या नाम था, मैं उसका नाम भूल गया, तो मुझे बस वो फीलिंग याद आ गया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी तो यहाँ फ़ोटो वोटो वगैरह जो भी करना था, वीडियो वगैरह सब कुछ तो मैंने कर ही लिया,
तो अभी चलते हैं नीचे, पानी प्यास पानी। पिकू जी बोल रहे मर जाएंगे अगर पानी नहीं पिया तो। बेचारे को पिला, जल्दी चलो। तो बेचारे को पिला देता पानी, मुझे ही पीना है पानी, नहीं तो याद आ जाएगी नानी। कोल्ड ड्रिंक्स पिलाओ तभी भी चलेगा। कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स, भाई चिप्स। अरे अरे भाई मार क्यों रहे हो ऐसे ही भाई? यही तो प्यार है, प्यार। अबे प्यार है भाई। अबे हद है, हद है, हद है। सही है, ऐसी जगह एक ही फील हो रहा है। खाली फील करो, फील और कुछ मत बोलो, बस फील करना, खाली फील करो। और ये जो इतने सारे जो देख रहे हैं मेरे भरोसे हैं देखने के लिए, कुछ ना कहूँ मैं यहाँ। हाँ वो तो तुम कह रहे हो ना, मैं तो फील करने आया हूँ यहाँ पर। तुम फील करना, तुम मुझे हेल्प नहीं करने? हेल्प ही करूँगा। वाह भैया वाह। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। काश यहाँ एक प्रॉपर्टी रहता यार। हाँ भाई मजा आ जाता। हाँ। वो अगर हेलीपैड भी रहता तुम्हारे पास और भी बढ़िया होता। नहीं हेलीपैड तो ऐसे भी बनवा सकते हैं, हेलीकॉप्टर खरीद नहीं सकते हैं। सबाना मार्केट में मिल जाएगा। हाँ हेलीकॉप्टर है ना। बहुत ही प्यारा जगह यार, बहुत ही प्यारा जगह। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। पहले तू पहले आए हो क्या? नहीं भाई फर्स्ट टाइम। मजा आ गया ना? मजा आ गया। बहुत दिन से था हम लोग का प्लान आने का। पेलिंग कितना बार हो रहा था, कैंसिल हो रहा था लॉकडाउन से पहले। अरे हाँ वही तो प्लान हुआ था ना, तो लॉकडाउन ने तो पूरा ले लिया यार, आराम से बैठ के ले लिया। सोचे थे मार्च में आएंगे, अभी देखो अभी नवंबर चल रहा है। हम तो सोचे थे आ ही नहीं पाएंगे इस साल। कल रात रौनित बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था हम लोग को, एंड रौनित कॉल्ड। तो हम लोग काफ़ी देर तक बात किए रात को, है ना? हाँ एकदम। और बात करते करते तो सुनने को मिला, बहुत ही मज़ा आ गया। और रौनित स्टार्टेड सिंगिंग, क्योंकि पीकू बार बार बोल रहा था गाना सुनाओ गाना सुनाओ। तो दोज पीपल हु डोंट नो हु इज़ रौनित, रौनित इज़ माई कज़न। तो बहुत ही अच्छा गाना गाता है। अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते तो फॉलो हिज यूट्यूब, तो सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल। टाइप मारिए सीधा रौनित तिवारी, निकल जाएगा उसका चैनल का नाम। और गाना सुनिए और मजे लीजिए, है ना पीकू जी? एकदम। और पीकू जी का अगर क्रिएटिविटी आपको एक्नॉलेज करना है तो इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। ये है इंस्टाग्राम आईडी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है navendu_94। तो इनका क्रिएटिविटी प्लीज चेकआउट करना, मुझे भी नहीं पता इनकी क्रिएटिविटी है क्या। खैर चेकआउट कर लेना आप लोग इंस्टाग्राम पे। तो कल रात को हम लोग बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट करने का, बोलने का कोशिश बहुत कर रहे थे कल रात को। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। पीकू कल रात से तो नॉर्मल बात कर ही नहीं रहा है, पूरा ऑस्ट्रेलियन बातें कर रहा है। हाउ आर यू? वो किसी से भी अगर रूम सर्विस से बात कर रहा है तो बोल रहा है गिव मी सम चाय माइट, ऐसे बात कर रहा है। तो इस पागल भाई मज़े करो, और क्या, और क्या, और क्या चाहिए। अरे भाई ढलान देखो यार, वो उठते समय फट गया था। पीकू तुम्हें मैं अगर ऐसा धक्का दे दूँ, दे दू नहीं, रोलर देखो रोलर, ऐसे रोल करते हुए जाऊंगा मैं, ऐसे 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 जाऊंगा। इस बंदे की क्रिएटिविटी यही है। ए रहा भाई मॉडलिंग, मॉडलिंग मत करो, मॉडलिंग 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 वाला मॉडलिंग। हाँ कैसे, कैटवॉक कैटवॉक कैटवॉक। ओ भाई रहने दो, ये क्या था भाई? ये डंकी वॉक हो गया। वो भी कर सकते हैं। तो पीकू जी, हाँ बताओ आपको कैसा लगा कंचनजंगा का व्यू? देखो मैं फरवरी को आया था। हाँ उनको तो पता है। हाँ अकेले आया था वो नैनीताल के बाद। हाँ हाँ दार्जिलिंग आया था मैं, तो बहुत बारिश हो रहा था, क्लाउड भी था, मगर उतनी अच्छी तरह से नहीं दिख पाया। बारिश होगी तो क्लाउड तो रहेगा। हाँ एक दो बार, एक बार शायद शाम को दिखने को मिला था, मगर अभी जो मिला भाई कल। भाई ये कौन सा फल है? ये अगर किसी को पता हो कि ये कौन से फ्रूट्स है तो प्लीज बताना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे पता नहीं ये क्या है, लाइक पोमेग्रेनेट है क्या? पोमेग्रेनेट अनार तो नहीं है? वे टू ये सर, ये देखो देखो इस साइड पे शायद 1.5 सेन रिजिग स्काई वॉक। 1.5 किलोमीटर मतलब बाइक लेके आओ क्या? नहीं पैदल ही आएंगे, आराम से पैदल आ जाएंगे शाम को घूमते घूमते। टाइम तो आ जाएंगे, नहीं मिलेगा ये ऊंचाई, नहीं मिलेगा सर। नहीं वो आराम से चले जाएंगे ये, लेकिन जिस लोकेशन में हम लोग रह रहे हैं
आसपास में लेकिन बहुत कुछ है ना, मतलब अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहे तो ऐसे ही, मतलब जैसे हम लोग अभी घूम रहे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, पीसफुल भी है, बहुत पीसफुल है, बहुत ज्यादा पीसफुल है, हम लोग ज्यादा फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वैसे अगर कोई करना चाहे तो यहाँ पर बहुत सारा एक्टिविटीज हो सकता है। अगर आप खुद करना चाहो तो शायद पैराग्लाइडिंग भी, हाँ पैराग्लाइडिंग, मुझे जितना पता था यहाँ पे पैराग्लाइडिंग बंद हो गया था, यहाँ हुआ ऐसा था कि एक एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या हुआ था वहाँ पे एक जो पैराग्लाइडर जो था जो इस पे लेके जाता जब, तो क्या हुआ था एक लेडी थी शायद वो उसके साथ चढ़ी हुई थी, तो वहाँ कुछ तो बैलेंस बिगड़ा और जो पैसेंजर था वो गिरा, मल्टीपल फ्रैक्चर्स के साथ वो घर गया, ठीक है, वो मरते मरते बचा है, और जो पैराग्लाइडर था जो मेन था जो लेके जाता है सवारी वो स्पॉट हो गया वहीं पे। अच्छा। तो तब से शायद पैराग्लाइडिंग यहाँ पे बंद हो गया था अभी शायद, अभी तो कल आते हुए एक तो देखा हम लोगों ने, वो शायद नीचे है अभी, अभी तो फिर वो इंडिया में वीर विलिंग पॉइंट ही है एक सबसे बड़ा जो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग नॉर्थ है ना, नॉर्थ धर्मशाला, मतलब धर्मशाला हाँ, वो जहाँ हम लोग गए थे ना वहाँ कितने सारे दिख रहे थे, वो बड़ा वाला उधर ही है, उधर से सब कुछ भाई धर्मशाला और एक बार करना है यार, हाँ भाई बहुत एक बार और करना है, धर्मशाला और शिमला दोनों करना है इस बार, वो इस बार पूरा एकदम राउंड ट्रिप करके उधर से मेघलटगंज होके उधर भी जाएंगे। तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है, तो ये अपना रूम, अभी थोड़ी देर पानी वानी पीते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर जाएंगे स्काई वॉक की तरफ, लंच करके, लंच करके जाना है, तो तब तक कर लेते हैं, आप लोग बने रहिए। तो हाँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कूल स्टे रो राइड हार्ड राइड सेफ एंड कीप योर फ्रेंड्स हैप्पी, चाओ। चलो ठीक है, गया आ गया ना, हाँ कौन लेके आया, मैं लेके आया ना, नहीं हम लोग एक साथ प्लान करके आए, कोई लेके नहीं आया, तुम्हें क्या लगा मैं तुम गोदी में उठा के लेके आऊँगा, नहीं अपने आप को ज़्यादा हीरो मत बनाओ क्या, ये तो मैं तुमसे सीखा इम्पोर्टेंस गेन करना।